साया वे क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मिला। थोड़ी देर और रुक जाता ना मेरा बच्चा। तुम्हें पता है ना कि एनी की तबीयत खराब है, वो घर में अकेली है, और वैसे भी कल की तकरीब के लिए काफी सारे काम करने हैं, और तुम्हें पता है अकेले ही मुझे करने होंगे। कुछ टाइम की बात है, बस मैं आ जाऊंगी ना, फिर आपके साथ सारे काम करवा दिया करूँगा। मेरा बच्चा, बस तुम मेरी बहू बन के आ रही हो, यही बहुत है मेरे लिए, काम थोड़ी करवाने हैं तुमसे। वो गाड़ी आ गई। अच्छा बेटा चलिए, अम्मी अब्बा वो आप लोग गाड़ी में जाके बैठे, बस मैं आ रहा हूँ, मुझे लगता है मेरा मोबाइल अंदर है। इस लड़के का तो कुछ पता नहीं चलता। रमशा, मैं अम्मी से बहाना करके आ गया कि मेरा मोबाइल यहाँ रह गया। तुम गए नहीं अभी तक शानी? शानी कोई देख लेगा। अरे ऐसा क्यों कर रही हो तुम? ऐसे कर रही हो जैसे मैं कोई गैर हूं। कल हमारी शादी होने वाली है। शादी होने वाली है शानी? अभी शादी हुई नहीं है, तुम जाओ यहां से। ये फजूल के नखरे क्यों कर रही हो? तो ये तुम्हारे नखरे जो है ना, मैं आया था यहाँ तुमसे कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए, और तुम हो के नखरे दिखाई जा रही हो। मुझे लगा था कि तुम सुधर गए। तुम्हें तो थोड़ी सी भी चेंजेस नहीं है। मुझे प्यार से कोई बात समझाओगे ना? तुम्हारी एक क्या हजार बातें समझूंगा। हद में रहो शानी, समझ में नहीं आती एक दफा की बात। जाओ यहां से, सब देख लेंगे, जाओ। तुम इतनी पारसा क्यों बन रही हो? हाँ क्या माजी भूल गई हो तुम? पता था तुम्हारी कमजोरी का, मुझे अच्छी तरह पता। हाँ मैं हूँ कमजोर, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। और शादी के बाद ना तुम्हें यह समझ आएगी कि मैं सिर्फ कमजोर नहीं, बहुत घटिया भी हूं, क्योंकि मैंने एक एक बात याद रखी हुई है, और गिन गिन के चुन चुन के बता लूंगा मैं। क्या कहते थे तुम्हें? शॉपिंग गर्ल।